वो आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जैसे कोरोना टेस्ट होता है वैसे ये टेस्ट होगा। मुझे मंजूर है। आओ अघोरी बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अब यही सुनने के लिए हम रहे थे, यही है मेरा बेइज्जती। नहीं 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 नहीं, क्या सोचे थे? करे जवा में लागल गोली। क्या नाम हुआ आपका? जी कल्पना कुमारी। कल्पना जी, पढ़ाई करती हैं? जी मैं तो पढ़ती थी। कौन से क्लास में? जी मैंने अभी 12वीं पास किया है। पापा आपके अभी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी आपकी? मैं नहीं करना चाहती थी शादी। मैं तुम पापा को कितना बोली, मम्मी को भी बोली, पर उन्होंने मेरी एक भी अच्छा, बात अच्छा, नहीं मानी। अच्छा रोना नहीं है, रोना नहीं। आप बहुत अच्छी हैं और सब लोग पसंद किए आपको। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं, आज सुहाग रात है, कोई है नहीं, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आज हम लोग आगे ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। हम कुछ पूछना चाहते हैं, आप मेरा साथ देंगी उसमें? जी ज़रूर। हम ये पूछना चाहते थे आपसे, क्योंकि अब पूछना नहीं चाहिए लेकिन पत्नी हो गई हैं तो आपसे हक है मेरा पूछने का। ये बताइए हमको कि आज तक कभी किसी के साथ गलत भी किया? क्या मतलब है आपका, आप क्या मतलब कहना चाह मतलब रहे? ये कि आज तक कभी किसी, कोई आपका बॉयफ्रेंड चाहे कुछ भी ऐसा, किसी के साथ गलत व्यवहार विचार, या फिर किसी के साथ ऐसा आपका रिलेशन? नहीं पक्का ऐसा कभी किसी के मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जानकारी रखा हूँ जादू उदू का, जादू टोना करता हूँ मैं। अगर आप पानी रखेंगे ना तो उजला को, अगर लाल हो गया पानी तो समझिएगा कि आप कुछ किए हैं, और अगर उजला रह गया तो नहीं किए। क्या आप कह रहे हैं? माफी मतलब मैं बट मुझे कुछ समझ भक्त नहीं आ रहा। ऊपर वाले का भक्त हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी हो सकता है आज अभी यहीं पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप नहीं पक्का नहीं किए ना, मेरी कसम खा सकते हैं आप? प्लीज़ आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आज तक ऐसा कभी नहीं की। ठीक मैं है, सच में बता रही हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं देखिए देखिए, हम बुरा की बात नहीं, हम आपको बहुत मानते हैं और शादी ऐसे नहीं होती है जब तक मन नहीं मिलता है तब तक, लेकिन ये अंदर की बात है। आप बता दीजिएगा ना, कल हमको पता चलेगा ना किसी और से तो बुरा नहीं लगेगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार बता दीजिए। मैं बताई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यकीन कीजिए मेरी बातों का। ठीक है, तो एक बार मेरे माथे पर हाथ रखकर कसम तो खा लीजिए, इसे क्या साबित होता है बताइए, इसे क्या साबित होता है, यही ना? मैं कसम खाने को तैयार हूँ अगर आपकी इसी में खुशी है तो। ठीक है तो कसम खाइए आप, क्या आप आज तक किसी के साथ गलत तो नहीं किए? नहीं मैं कसम पक्का? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं कभी किसी के साथ ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं रहा मेरा। आप अपने माँ की कसम खाती हैं? सोच लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ और वो पानी लाल हो गया ना तो फिर मेरा जिंदगी भर के लिए आपको ठुकरा दूंगा मैं आपको। ऐसे मत बोलिए, मेरी जिंदगी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ अगर आप सच बताएंगी तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। रोइए मत, मैं वादा करता हूँ इस बात का कि आप अगर इस बात की कसम खाते हैं कि नहीं, अगर आप गलत किए हैं तो बता दीजिए और नहीं किए हैं तो वो बताइए। नहीं मैं सच कहती हूँ, मैं कभी ऐसा किसी के साथ नहीं की। पक्का? पक्का कह रही हूँ मैं। माँ कसम? हाँ जी जी माँ। ठीक है ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, हम जो करना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए, हम टेस्ट करेंगे। करना क्या है? टेस्ट करेंगे आपका, क्या आप इससे पहले कभी किसी के साथ कुछ की तो नहीं है? एक गिलास पानी लाना है आपको और हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना है, अगर वैसा हो गया तो इसका मतलब आप की हैं और नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं किए हैं। जी आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई भय नहीं है। पक्का ना? जी पक्का। ठीक है एक गिलास पानी लाइए आप। जी आइए, लेकर पानी आइए, फिर मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। आइए क्या लाई तुम, मांगे थे पानी या दे दी दूध? जी आप इतना गुस्सा क्यों रहे हैं, थोड़ा सा पी लीजिए आपको अच्छा महसूस होगा। पानी भी लाइए।
ये काजू किशमिस भी आपके अच्छा ठीक है, हम खा लेंगे, आप जाइए पानी लाइए जी, जो जरूरी है पहले वो लाइए ना। तो हम पीने के लिए नहीं मांगे थे जल आपसे, मांगे थे काम की ज़रूरत थी, जिस काम के लिए मांगे थे उसके लिए आप ये सब ला दिए। थोड़ा खाए, इसको हटाइए, दूध वूध नहीं पिएंगे, पहले जो ज़रूरी है वो करेंगे जी। तो मैं पानी यहाँ रख देती हूँ। पानी रखिए, वहीं रखिए, तत्काल एक पीढ़ी लगाइए यहाँ बीच में, ऐसे लगाइए जी। वो क्यों? आप इस पर बैठिएगा, हम इधर बैठेंगे, यहाँ बीच में ग्लास रखेंगे पानी का। अगर ये रेड हो गया पानी, लाल हो गया, तो इसका मतलब हम क्या बोले थे आपको? मुझे याद है। हाँ, वो आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जैसे कोरोना टेस्ट होता है वैसे ये टेस्ट होगा। मुझे मंजूर है। हाँ तो बस ठीक है, आइए बैठिए। और आप? हम भी बैठेंगे ना, उधर घूम के आप बैठिएगा आँख बंद करके, दो मिनट तक आँख मत खोलिएगा, अगर आँख खोले तो ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उधर घूम के बैठ जाइए आराम से, आंख बंद करके बैठिएगा और हम इधर बैठेंगे घूम के जी। आंख बंद है तुम्हारा जी? आंख मत खोलना। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब महा अपना आँख खोल सकती हो तुम जी? क्या बोले? अपना आँख खोल सकती हो जी, पीछे देख सकती हो। सोलो, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? नहीं, ये वो पानी का ग्लास नहीं है जो मैं आपको लाके दी थी, ये तो दूसरे ग्लास है। वो कौन सा पानी है? ये लाल कैसे हो गया? कैसे हो गया तुम जानोगी ना? ये महादेव की ये घोरी बाबा का प्रकोप है। ऐसा कुछ नहीं होता आज के जमाने नहीं में। नहीं होता आप, है आप गलत समझ रही हैं। नहीं होता है ना, ये तुमको बोले थे ना पहले, सब कुछ बताओ सच सच, तुमने क्यों नहीं बताया सच? आप अब बताओ क्या तुम्हारा बाज रहा है, नहीं तो हम चले। नहीं 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 नहीं, अब यही सुनने के लिए हम बैठे, यही है मेरा बेइज्जती। नहीं नहीं नहीं, क्या सोचे थे भगवान, कैसा पत्नी मिल गई साला, सोचे थे क्या सपना था? नहीं नहीं प्लीज आप इस तरह मत बोलिए, ये एक जरूर कुछ गलत। अभी भी बताओ कि तुम सब कुछ सच सच। मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको सब बता चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बताओ कि तुम? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहां से शुरू करूं। मैं चला जाऊंगा जब तब शुरू करना तुम। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझिए, मैं क्या कहूं, मैं बहुत मैं चलूं? नहीं, नहीं, तुम्हारा नहीं, नहीं, नहीं 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 मेरे, तो बोलो जल्दी से क्या बोलना है। मुझे कुछ बात कहनी है आपसे, कुछ बात बतानी है। बोलो जो, बताओ जो पहले बतानी थी, अब बताना चाहती हो क्या? पहले आप वादा कीजिए कि ये सब सुनने के बाद आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। वादा तो नहीं करूंगा, तुमने मेरा कसम खाया है, मतलब मेरे जीने मरने का कोई तुमको फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में गया। बारे शादी, ये सात जन्मों की रेखा कहां हाथ में लिखते हैं भगवान, के इस जल में लिखे तुम्हारे सामने। आज आपने साबित कर दिया घोड़ी बाबा कि आप सच में सब कुछ आप कर सकते हो, और ये साबित हो गया कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया। तुमसे मैंने पहले पूछा, हाँ, मैं गलत क्यों हूं, मैं गलत क्यों हूं, मुझसे गलत हुआ है, मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूं। तो फिर क्यों तुमने बताया नहीं मुझे?
मुझे लगा कि आज के जमाने में कौन ये सब विश्वास रखता है, कौन ये सब ये जादू टोना एंड ऑल दैट। मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे नहीं पता था कि आपको सच में ये सब की ज्ञान है। वो सच में आप सच मन तो करता ये पता क्यों उतार ले तुम्हारा। आपको जो मारना पिटना जो कीजिए, फिर भगवान पहले बताओ सच्चाई बताओ मुझे। सच्चाई मैं बता चुकी हूँ, ये वो नहीं है। नहीं है, प्लीज वादा कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी आपके सिवा, मेरे कोई नहीं है घर पे, मेरे धरती पे कोई नहीं है। वादा करता हूँ मैं, आप बता सकती हो? मैं बताती हूँ। बताओ। वो मैं ये जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो ये उन दिनों की बात है। जी मैं कैसे बताऊं, लेकिन आप वादा कीजिए मेरे घर में आप किसी को नहीं बताइएगा। मेरी दीदी, मेरी मम्मी पापा, आप अपने घर में भी किसी को नहीं बताइएगा और मेरे घर में भी किसी को नहीं बताइएगा। नहीं बताऊंगा मैं, बताओ। बात ये है कि एक बार मुझे मेरे मेरे जीजा जी के साथ ही मेरा ऐसा कुछ। मुझे पता था इस बात। आप पूरा सुनिए इस बात को। मैं नहीं ये सब करना चाहती थी, पर पता नहीं क्या मेरे मति मारे गए, कैसे क्या हो गया नहीं हो गया मुझे कुछ पता नहीं था, पर मैं सच कहती हूँ वो मुझे मेरी भूल थी। ठीक है, तो अब मेरी बात एक मानोगी? हाँ। मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ, बोली ना। मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमने जो गलती किया उसको भगवान भी माफ करता है। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तुमको माफ करूंगा, लेकिन तुम एक बार अपने जीजा जी से बात करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे बात करो। नहीं नहीं नहीं, उनसे बात करूंगी, हो सकता है अभी अभी के रात में, मैं कल सुबह फोन कर लूंगी उनसे, क्योंकि मेरी दीदी होगी, दीदी क्या सोचेगी, उनको सबको पता है कि मेरी शादी हो गई है। एक बार बात करके तू देखो, मैं भी बात करूंगा। जी अभी रात के 1 बज रहे हैं। कोई बात नहीं है, बात कर लो एक बार, इतना कर सकती हो। लेकिन उसके बाद आप वादा कीजिए कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ, नहीं तोड़ूंगा वादा। जी मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। ठीक, मोबाइल लीजिए, निकालिए, फोन लगाइए। लगाओ फोन। जी आजी को लगा रही, लगा रही। वो अभी रात के 1 बज रहे हैं। क्या हुआ? तू लगाइए। आप हमारे सो गए होंगे। हेलो। हेलो जीजा जी। हाँ। वो दीदी कहाँ है? तो रूम में सोई है, सोफा पर बैठे हुए। नहीं वो सॉरी, आपको इतनी रात को मैं परेशान कर रही। मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ, मतलब रो कह रही हूँ। मैं मतलब मेरा घर बसने के पहले ही उजड़ गया। क्यों, क्या हुआ, काय रो रही, बताओ बात बताओ। वो ना, वो इनको सब पता चल गया मेरे आपके साड़ों को। जी जी हाँ। क्या चीज पता लग गया? आप समझ जाइए ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और वो मेरे सामने ही है, मेरे सामने बैठे हैं, हम स्पीकर पे बात कर रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। मैं कभी नहीं सोची। ऐसा कौन सा गलती की है जो सुन रहे हैं स्पीकर पे? और आज एक खुशी का दिन था तुम सबका, तुम रात को फोन कर रही हो। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं नहीं बता सकती आपको, सब खत्म हो गया। बताओगे तब खुल के बताओ। रोना बंद करो पहले, तुम रोना बंद करो। आप इनसे बात कीजिए और प्लीज सब ठीक कर कीजिए। बात करो। नहीं लो, लो। सिर्फ थोड़ा सा बात कर लीजिए प्लीज, मेरा गृहस्थी संभाल लीजिए। अच्छा ठीक है, बात करो लीजिए। हेलो हेलो। हाँ साडू प्रणाम।
खुश रहिए खुश रहिए। क्या मतलब रात को क्या हो गया, दोनों रो रही है, क्या हुआ? आपको नहीं पता होगा मेरे बारे में, हम अघोरी बाबा का भी कुछ मंत्र लिए हुए हैं, तो ये सब सिचुएशन हुआ, इसको पूछे हम, सच्चाई बताओ तुम, कुछ ऐसा कुछ रिलेशन किसी के साथ? तो ये बोली नहीं, हमारा किसी के साथ नहीं। तो हम अपना तंत्र मंत्र विद्या अपना लिए, आ गया बस में, आ गई तो पता चल गया सब कुछ, उगल दी जैसे नेवला सांप को पकड़ता है मुँह में उगल देता है, उस तरह से उगल दी सब कुछ। ऐसा कोई बात नहीं है, आप गलत मत सोचिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऐसा कोई बात नहीं, आप ना अच्छे बनने की कोशिश मत करिए, आप जो किए वो तो इतना शर्मनाक हरकत किए कि क्या बताएं, आप ही लोगों की वजह से लड़की बदनाम हो गई। ऐसा कौन सी बात हो गई जो आप उनको डांट रहे हैं? रात क्या खुशी का दिन है तो आपसे अरे आप बड़े रिश्तेदार बड़े नहीं लगते हैं हमारे रिश्ते में, हम आपको अब क्या बोलें? आप समझदारी है आपके पास तो समझ जाइए, नहीं तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं मिलेगा। ठीक है तो आप सब अरे तो सुनिए ना, ज्यादा आपको है तो ले जाइए, इसको भी रखिए अपने पत्नी बनाकर। ऐसा कोई बात नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं साढ़ू, ठीक है, देख ही रहे हैं सारा करामत तो देख लिए, जाइए ले जाइए, इसको भी रखिए अपना पत्नी बनाकर। सुनिए सुनिए ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तो नहीं रखेंगे इसको अब। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखिए गलत, आप गलत सोच रहे हैं, आप इनको घर में आप सोचे खाक, जो कर दिए सो कर दिए। एक बात समझिए, कोशिश करिए समझने की, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, अब क्या करेंगे, समझ तो गए, अब तो किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ेगा, लेकिन दोबारा इस आदमी से मतलब मत रखना। चलिए ठीक है रखिए, दोबारा इस आदमी से मतलब मत रखना, और जो की सो की, दोबारा ये गलती जिंदगी में मत करना, किसी का भरोसा बनाओ, किसी का भरोसा तोड़ो मत। मेरी नादानी थी वो सब, मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलो आओ इधर आओ, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, इंसान गलती करता है, जो गलती करके समझ जाए वही सबसे बड़ा इंसान है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी लाइक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान जो गलती करता है उसको समझ ले वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो एक गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, और जो दो गलती करता है उसे हैवान कहते हैं, और जो तीन गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो इस गलतियों को माफ़ कर दे उसी को अपना प्यारा हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए ये सब नहीं सोचना है, हम लोग हिंदुस्तान में हैं और अच्छे हैं, अब जो गलती हो गई, चूँकि अब तो सब कोई जानता है कि दुनिया में कौन अच्छी है कौन बुरी है, वो तो लड़की ही जान सकती है, किसी को पता नहीं है, इसलिए अंदर की बातें हैं, अंदर तक ही रहने दो, इस बात को तुम भी अब कहीं मत जिक्र करना। और चलो हम लोग चलते हैं, सुहागरात हम लोग का नमकीन के बदला गमगीन हो गया, आओ चलो सुहागरात मनाते हैं, चलो छोड़ो मनाते हैं। नहीं मुझे बोलो, चलो मुझे यकीन नहीं होता कि वो आपने ये सब लाल पानी मतलब कैसे, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले चलो सोते हैं, कल बताएंगे सब बात, चलो ना जी। नहीं आप सोइए, मुझे भी सुनो सुनो, चलो चलो छोड़िए। अच्छा ठीक है इधर को हम बताते हैं सब सच्चाई, इधर नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, सुन नहीं बताएं सच्चाई नहीं बताएं, सुन लो, जैसे तुम झूठ बोल सकती हो उसे हम भी झूठ बोल सकते हैं। क्या झूठ बोल सकते हैं, क्या मतलब क्या है आपका? मेरा कसम झूठ का खाली तो हम नहीं कर सकते थे, कर सकते थे मतलब कि वो सब एक नाटक था, आपको कोई ओगर ज्ञान नहीं, आप कोई ओगर ओगर नहीं है। जब तुम झूठ बोल सकते थे हम क्यों नहीं, तुमको जब आए थे ना एंट्री किए थे ना हम जब घर में, उसी समय हमको लग रहा था कि तुमसे जब पूछे ना हम, तुम जो बोली ना एच के, हमको लग गया कि तुम्हें कोई गड़बड़ी है, तो हम इसीलिए तुमसे ऐसा इतना सारा किए। आई जान लो, फ्लैशबैक में आओ, जब तुम आंख बंद की थी, मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र नहीं पढ़ रहे थे उस समय, हम घर से रंग ले आए हुए थे, अपना जेब में रखे हुए थे उधर, वो जेब से रंग निकाल के उसमें डाल दिए, पानी लाल हो गया, तुमको घुमाए थे, तुम जीजा जी जबरदस्ती कर दिए थे, बनाने लगी सब बात, तुम हो गया सब कहानी तुम्हारा, मतलब कि मैं आपकी जाल में फंस गई। वो तो फंसना ही था, तुम मछली हो हम मछुआरा हैं, ये बहुत गलत की है, मुझे नहीं लगा आपके साथ, यही तो गलत है, तुम समझी कि हम ही हैं बेस्ट सबसे बड़का करेजियस, हम हूँ मर्द, कभी मर्द होता है,
छोड़ो अब, चलो जो हो गया सो हो गया, अब सुहाग रात मना लेते हैं। आई घटने वाला चीज़ थोड़े है, एगो बात जान लो दोस्तों, एगो बात कहा गया है कि धावो 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 जह नसीब सह न पाओ, तो इसलिए इस बात को लेते रहिए मन में, क्योंकि लड़की जब तक कुंवारी न तुम्हारी न हमारी, लड़की सरकारी। चलिए अब हो जाए सुहाग।